हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो युवराज बैच की क्लासेस चल रही हैं, टेंस टॉपिक चल रहा है, लेक्चर नंबर 6 हम आपके लिए लेकर के आए हैं और आज हमें करना है पार्ट 6 में। लेक्चर नंबर 6 में हम करेंगे पास्ट टेंस। ओके, तो पास्ट टेंस की स्टार्ट यहाँ पर हम करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि हमने प्रेजेंट में 4 पार्ट में पढ़ा है, तो वैसे ही हम पास्ट टेंस को भी 4 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है पास्ट इनडेफिनिट। क्या बोलते हैं? पास्ट इनडेफिनिट। सबसे पहले मैं पास्ट टेंस को हिंदी में बताऊँ। पास्ट मतलब होता है भूतकाल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, मतलब जो चीज़ें पहले पीछे वाले समय में, पहले वाले समय में हो चुकी हैं। तो पास्ट इनडेफिनिट के बाद हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। क्या पढ़ेंगे? फिर हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट और फिर हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यस, ये 4 क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पास्ट इनडेफिनिट को। चलिए, तो कॉपी में हेडिंग डालिए आप सभी लोग, पास्ट इनडेफिनिट। बच्चों, आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा। मैंने कहा राम खाना खाया, ये लिखा मैंने, और दूसरा मैंने लिखा राम खाना खा लिया। क्या इन दोनों में डिफरेंस है या एक ही चीज़ है? ये बताइए, क्या लग रहा है आप लोग को? इन दोनों जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इन दोनों में डिफरेंस है या दोनों एक ही चीज को शो कर रहे हैं? बताइए, क्या डिफरेंस है? वेरी गुड, बहुत अच्छा डिफरेंस बताया यहां पर युवराज ने। खा लिया मतलब पास्ट में जा रहा है, ये नहीं पता कि कब खा लिया, कल खा लिया, परसों खा लिया, एक साल पहले खा लिया, है ना। भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया, मैंने आज कहा भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, तो पता नहीं कब जीत लिया, बहुत पहले की बात है। मैंने कहा इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, या भारत वर्ल्ड कप जीता, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है, पास्ट की बात है ये। राम खाना खाया मतलब पास्ट की बात है। तो ये देखिए, खा लिया जो है, देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे। राम, जैसे मैंने कहा खा लिया, तो ये आपने कब कहा? पास्ट की भी परफेक्ट का, ये पास्ट का बताया। और राम खाना खाया, राम खाना खाया, एक मिनट, थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज कर दिया आप लोग को। जरा फिर से देखिए, दोनों में बताइए कौन सा पास्ट है, कौन सा परफेक्ट है, बताइए। अरे ये पास्ट है, खा लिया मतलब अभी अभी खा। बिल्कुल सही। तो यहां पर थोड़ा सा मैंने राइटिंग मिस्टेक कर दी है। ये वाली जो बात है ये है परफेक्ट, और ये वाली जो बात है ये है पास्ट। राम खाना खाया ये पास्ट में जाएगा, और राम खाना खा लिया ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। जो काम तुरंत हुआ है वो जाता है, खा के उठा है, बिल्कुल सही, वो काम कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट में, जो काम तुरंत हुआ है। और जो काम पहले कभी हो चुका है वो जाता है पास्ट में। खा लिया और खा चुका दोनों एक ही सेंस देते हैं, खा चुका। इसलिए मैंने बताया था कि जहां पर चुका, चुकी, चुके, है ना, और जहां पर ये ऐसा आता है राम खाना खा लिया है, तो मतलब ये किस में जाएगा? ये परफेक्ट में जाएगा। किस में जाएगा? परफेक्ट में, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा यहां पे अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी किस चीज को, पास्ट और परफेक्ट को पहचानने में। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। परफेक्ट मतलब जो काम तुरंत ख़त्म हुआ हो, जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ हो वो परफेक्ट है, और जो काम पहले ख़त्म हो चुका है, समझ गए ना, जो काम पहले ख़त्म हो चुका है वो पास्ट में जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। जैसे मैं कहूँ भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया, जीत लिया, बताइए ये किस में जाएगा? Present. बिल्कुल सही, ये प्रेजेंट
प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, ये प्रेजेंट में परफेक्ट में जाएगा, ठीक ना, ठीक ना। तो भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। चुका वाला पास्ट में नहीं, चुका वाला भी प्रेजेंट परफेक्ट ही होता है। भारत वर्ल्ड कप जीता, भारत वर्ल्ड कप जीता, जीता सॉरी जीत चुका, ये हेडलाइन कब आती न्यूज में, जब तुरंत तुरंत मैच जीत चुका होता है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, भारत जीता, ठीक है ना, भारत जीता था, अगर कहीं पर था आ गया तो 100% वो पास्ट है, 100% वो पास्ट है। अब बाकी थोड़ा सा आपको तुरंत का सेंस लेना है ना, जैसे भारत जीता तो ये भी पास्ट में जाएगा, अगर ये अगले दिन बात हो रही है तो न्यूज़पेपर में हेडलाइन लिख करके आएगा इंडिया वॉन, इंडिया वॉन, क्लियर। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए आपको परफेक्ट को पास्ट को अलग अलग समझने के लिए। तो जिनमें था थी थे आए वो 100% पास्ट है, ठीक है ना। इसके अलावा बड़ा आ बड़ा ई बड़े ए ये सब आए तो भी वो पास्ट ही होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको समझने के लिए आपको टेंस मुझे पढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि पास्ट और परफेक्ट में क्या फर्क है। बस मैं इतना बोलूँगा कि जो चीज़ तो भी अभी तुरंत तुरंत ख़त्म हुई है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, मगर जो चीज़ बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है वो पास्ट में है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँगा राम ने आम तोड़ लिया, तोड़ लिया, बताइए राम ने आम तोड़ लिया, मतलब राम आम तोड़ा है, अभी अभी बात हो रही है राम ने आम तोड़ देने की, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या ये, जी हाँ, ठीक ना, राम ने आम तोड़ लिया ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब जैसे जैसे तुम किसी है ना, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो बच्चों धीरे धीरे आपको देख के समझ में आएगा कि कहाँ पर पास्ट है कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है। ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट की डेफिनेशन लिखी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट, इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ गया गया, लिया दिया सोया दी ली की आदि का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि ये सब तो परफेक्ट में भी लगता है, लगता है बिल्कुल लगता है, की भी लगता है ना। राम ने खाना खा लिया, राम खाना खा चुका है, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वहां पे समझना पड़ेगा सेंटेंस को देख के, है ना। अब देखिए जैसे मनीष घूमने गया, मनीष घूमने गया, अब देखो भाई थोड़ा सा फर्क है, मनीष घूमने गया है, मनीष घूमने गया है, अगर या है आ गया लास्ट में तो ये परफेक्ट बन गया, बट यदि है नहीं लगा है तो क्या बन गया, ये पास्ट, क्योंकि गया है मैं अभी अभी तुरंत, अभी अभी तुरंत की बात हो रही है, बट गया में मतलब पहले की बात हो रही है कि मनीष घूमने गया, 5 दिन पहले कोई आया, 5 दिन बाद बोले मनीष कहाँ है, बोले वो तो घूमने गया, कब गया, 5 दिन पहले। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मनीष घूमने गया, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट टेंस में, देखते हैं अफर्मेटिव, क्या देखते हैं अफर्मेटिव का रूल, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल है ये, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मजे की बात यह है इसमें कोई वर्ब नहीं लगनी है, इसमें केवल आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, ना इज ना एम ना आर कुछ भी नहीं लगना है, केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मनीष घूमने गया, मनीष वेंट फॉर अ वॉक, वेंट फॉर अ वॉक, प्रपोजिशन हमेशा याद रखिएगा अ वॉक के पहले फॉर लगता है, वेंट टू अ वॉक कभी नहीं होता है, वेंट फॉर अ वॉक, तो प्रपोजिशन आपको पढ़ने से आता है, यहां पर क्या लगेगा फॉर अ वॉक। बहुत लोग बच्चे कहते हैं वेंट टू अ वॉक, नहीं टू अ वॉक कुछ नहीं होता है, वेंट फॉर अ वॉक, समझ गए, यहां पर टू कभी नहीं लगता है, क्या लगता है बच्चों, फॉर अ वॉक,
ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है मैंने उसे प्यार किया। अब देखिए यदि मैं बोल दूं मैंने उसे प्यार किया है या है लग गया, इसका मतलब अभी अभी मैंने उसे प्यार किया मतलब अभी भी प्यार हुआ है, बट मैंने उसे प्यार किया, मैंने जिंदगी में कभी भी प्यार किया था तो आई लव्ड हिम या हर, ठीक है जी, मैंने उसे प्यार किया, आई लव्ड हिम या हर। लोगों ने हमसे बात करी, लोगों पीपल, पीपल बात करना, टॉक्ड भी आ जाएगा या स्पोक आ जाएगा, है ना, हालांकि स्पोक मतलब बोला हो जाएगा, मैं बोल दूंगा टॉक्ड, पीपल टॉक्ड विद अस, हमने किया, हमने का मतलब वी, किया, किया मतलब डू, और डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है डिड, तो वी डिड, वी डिड, हम जीत गए, हम जीत गए, वी वॉन, वी वॉन, ठीक है ना। और दूसरा हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं, तो ये क्या कह रहे, ये क्या हुआ परफेक्ट हो गया, ये क्या हो गया परफेक्ट, तो ये हो गया वी हैव वॉन, वी हैव वॉन, हम जीत चुके हैं, और हम जीत गए या हम जीत गए थे दोनों एक ही बात है, चाहे आपसे बोला जाए हम जीत गए या हम जीत गए थे दोनों एक ही बात है, वी वॉन, गए वाला भी पास्ट है, थे वाला भी पास्ट है, बिल्कुल सही, अब आइडिया आने लग गया। तुमने खाना खाया या तुमने खाना खाया था एक ही बात है, यू एट द फूड, यू एट द फूड। अब देखो एक चीज और, अगर इसी चीज में यदि क्वेश्चन लगा दिया जाए तुमने खाना खाया, तुमने खाना खाया बोलचाल की भाषा में, हालांकि इसको सही करके बोला जाए तो ये होगा क्या तुमने खाना खाया, समझ गए ना, तो ये किसको, किस में आएगा, इंट्रोगेटिव में आएगा, किस में आएगा, तो अभी हम सीखेंगे, इंट्रोगेटिव में पास्ट की बात हो रही है तो आगे लगता है डिड, क्या आता है डिड यू, है ना, अभी वर्ग आएगा डिड यू एट फूड, ठीक है। चलिए यू एट द फूड, ये आ गया हमारा अफर्मेटिव हो गया है। अब देखते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव में केवल लगता है डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाँ इसमें सेकंड नहीं लगती, इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट लगती है, अभी मैंने जैसे बताया डिड यू ईट फूड, है ना, डिड यू ईट फूड, फर्स्ट फॉर्म लगती, क्या लगती है फर्स्ट, हाँ केवल केवल सिंपल में अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म लगेगी, बाकी नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, यस। तो आइए देखते हैं, ये नेगेटिव है, नेगेटिव में देखिए सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, जैसे वहां पर डू नॉट डज नॉट लगता था प्रेजेंट में, यहाँ पे डिड नॉट लगेगा, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, बहुत सारे बच्चे सेकंड लगा देते हैं, आप गलती नहीं करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगेगा ऑब्जेक्ट। चलिए बताइए मैंने उसने एक पत्र नहीं लिखा, उसने एक पत्र नहीं लिखा, उसने मतलब ही डिड नॉट अ लेटर, बिल्कुल सही है, शी डिड नॉट राइट अ लेटर, दोनों एक ही चीज है। सचिन ने उसे प्यार नहीं किया, सचिन डिड नॉट लव हिम या लव हर, टू नहीं लगेगा बेटा, लव हिम, ओके, जैसे मैं बोलता हूँ आई लव टू यू बोलता हूँ या आई लव यू बोलता हूँ, आई लव यू बोला जाता है ना, लव के बाद हिम या हर डायरेक्टली आएगा, प्रोनाउन आएगा, टू नहीं आता लव के बाद। लोग स्टेज पर नहीं गए थे या नहीं गए, वेरी गुड, पीपल डिड नॉट गो ऑन द स्टेज या ऑन द स्टेज। उसने गलती नहीं की, ही डिड नॉट मेक अ मिस्टेक, बेटा अभी इसे याद रखना, मेक अ मिस्टेक, गलती करने क्या बोलते हैं, मेक अ, नहीं डू नहीं आता है बेटा, मेक अ मिस्टेक, समझ, गलती, डू मतलब कोई चीज हाथ से करना, डू मतलब कोई चीज हाथ से करना, और गलती कोई हाथ से करने वाली चीज नहीं होती है, गलती बोलने में भी हो जाती है, मन से भी हो जाती है, खाना खाने में भी हो जाती, गलत तरीके से खा लिया, सो इसलिए यहाँ पे आता है मेक अ मिस्टेक, क्या आता है मेक अ मिस्टेक। मैंने उसे नहीं पहचाना, आई डिड नॉट रिकोगनाइज, नहीं आएगा रिकोगनाइज आएगा, आई डिड नॉट रिकोगनाइज हिम, बिल्कुल सही। चलिए इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव में आपको क्या लगाना है, अगर डब्ल्यू एच फैमिली है तो लगा दो, नहीं तो आ जाएगा सीधे डिड, क्या आ जाएगा डिड के बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर क्या से शुरू हो रहा है तो कोई डब्ल्यू एच फैमिली लगाने की जरूरत नहीं है। क्या उसने तुमसे बात की, डिड ही
टॉक टू यू, तुमसे। डिड ही टॉक टू यू? यस। तुमने यह सब कैसे किया? कैसे मतलब हाउ डिड यू डू दिस ऑल? यह सब लगाना, सब लगाना, सब के लिए क्या लगेगा? ऑल। हाउ डिड यू डू दिस ऑल? यह सब किसने किया? यह सब किसने, किसने क्या आएगा? हु डिड ऑल दिस? हु डिड ऑल दिस, है ना? देखिए, एक मिनट, मैं थोड़ा सा एग्री नहीं हूं यहां पे। मैं इसको लिखूंगा, हु डिड डू दिस ऑल, ये आएगा इसका, हु डिड डू दिस ऑल। देखिए, डिड तो हो गया क्वेश्चन वाला, और फिर करना फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू, है ना, दिस ऑल या ऑल दिस, ठीक ना? क्लियर हुआ? ये गड़बड़ लग रहा मेरे को, वो डिड ऑल दिस नहीं आएगा, वो डिड डू दिस ऑल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे डू तो फर्स्ट फॉर्म होती लगेगा ना, इसने डू नहीं लगाया था, हाँ, है ना? डिड तो क्वेश्चन मार्क के लिए, किसके लिए? क्वेश्चन मार्क के लिए। वो डिड डू दिस ऑल? क्या बच्चा जोर जोर से रोया? डिड द चाइल्ड, हाँ, क्राई लाउडली? डिड द चाइल्ड क्राई लाउडली? हाँ, वीप और लाउडली एक ही चीज है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? वैसे चिल्ला चिल्ला के रोने को क्राई बोलते हैं, ठीक है ना? चीख चीख कर रोना, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, समझ गए ना? तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, बोलो यस नो। फिर क्या आएगा? डिड। फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। फिर क्या आएगा? वर्ब। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ गए ना? चलिए, क्या तुम वहां नहीं गए? तुम वहां क्यों नहीं गए, सॉरी, तुम वहां क्यों नहीं गए, मतलब गए थे, है ना? हाँ, मतलब क्या है? पास्ट है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, तो कहां शुरू होगा? वाई डिड यू नॉट गो देयर? वाई डिड यू नॉट गो देयर? क्या अभी तक सूरज नहीं निकला? क्या अभी तक सूरज नहीं निकला, है ना? डिड द सन? देखिए, डू नॉट क्यों आएगा भाई साहब? डू नॉट क्यों आएगा? कोई काम थोड़ा ना। डिड द सन नॉट राइज यट? वेरी गुड। अभी तक को क्या बोलते हैं? अभी तक को बोलते हैं यट। अभी तक को क्या बोलते हैं? यट। याद रख लीजिए, अभी तक को बोलते हैं यट। डिज ना, डिड द सन नॉट राइज यट? उसने ऐसा क्यों नहीं किया? उसने ऐसा क्यों नहीं किया? वाई, हाँ, वाई से शुरू होगा। वाई डिड ही वाई डिड ही नॉट डू सो? ऐसा मतलब सो, हाँ, समझ गए ना? ऐसा मतलब जो समझ में आ रहा है। दिस मतलब हो जाएगा यह, दिस मतलब यह हो जाएगा। ऐसा मतलब मेरे तरीके से। वाई डिड ही डू नॉट डू सो? मतलब उसने ऐसा क्यों नहीं किया, समझ गए ना? हाँ, तो अब तरीके की बात करते हैं, तो वहां पे सो लगता है, क्या लगता है? हाँ, वाई डिड ही नॉट डू सो, है ना? मतलब इस तरीके से। और दिस लगाओगे तो मतलब उसने ये क्यों नहीं किया, ये हो जाएगा। तो आपने उसने क्या बोला? उसने ऐसा क्यों नहीं किया जैसा मैंने कहा था, समझ गए ना? तो वाई डिड ही नॉट डू सो? आज वह लड़की क्लास में क्यों नहीं आई? वाई डिड दैट गर्ल, हाँ, नॉट कम टू द क्लास टूडे? टू द क्लास टूडे? वाई डिड दैट गर्ल नॉट कम टू द क्लास टूडे? आज वह लड़की क्लास क्यों नहीं आई? चलिए दोस्तों, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट पूरा, जिसमें हमने प्रेजेंट की प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा और नेगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ा। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब पास्ट में कोई काम चल रहा था, पहले कोई काम चल रहा था। देखिए, पहचान जानना बहुत जरूरी है। अभी तक आपने सबकी पहचान जान ली है, आई थिंक किसी में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा पहचान जानने में, है ना? खासकर पास्ट की पहचान जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पास्ट को प्रेजेंट परफेक्ट से मिला देते हैं, ठीक है ना? तो मैं एक बार फिर से आपको पहचान बता देता हूँ पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट की। राम खाना खा लिया, राम खाना खाया, राम खाना खाया, ये पास्ट है। और राम खाना खा लिया है, लिया है, तो इस है को देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट है,
ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। राम खाना खा चुका है, ये भी क्या है? चुका है लग गया ना, हाँ। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। राम खाना खा लिया था, राम खाना खाया था, ये भी पास्ट है। तो थोड़ा सा हाँ था लग गया, या नहीं भी लगा है तो है नहीं लगा है, मतलब क्या है वो पास्ट है। अगर है नहीं लगा है तो क्या है वो पास्ट है। तो थोड़ा सा है लग गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, है लग गया तो प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए आइए देखते हैं, अब कंटिन्यूस देखते हैं। मैंने क्या बताई? पहचान, रहा था, रही थे, रहे थे, ठीक ना। आइए देखते हैं इसका रूल, देख लो। देखो रहा था, रही थी, रहे थे। अब इसका रूल देख लो, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, वॉज या वर, ठीक है ना। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं, बताते हैं। ठंडी हवा चल रही थी, द कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, द कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। वह उसे टकटकी लगाकर देख रहा था, ही वॉज स्टेरिंग हिम या ही स्टेरिंग हर, दोनों सही है। वह पत्र लिख रही थी, ही नहीं आएगा, शी आएगा, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। सोनू निगम स्टेज पर गाना गा रहा था, सोनू निगम वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। चलिए समझ में आ गया ना, सोनू निगम एक ही इंसान का नाम है, सिंगुलर है तो इसलिए वॉज लगेगा, है ना, सिंगुलर के साथ वॉज है, ठीक है ना, क्लियर है, हाँ। और प्लूरल के साथ वर है, प्लूरल के साथ वर है। चलिए नेगेटिव देखिए, तो नेगेटिव में वही थी, सिंपल है, वॉज या वर के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट, बाकी पूरा रूल वही है। चलिए, वे ये लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे, ये लड़के, दीज बॉयज क्या आएगा? वर नॉट फ्लाइंग द काइट, फ्लाइंग काइट, है ना, है ना। ये लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे, दीज बॉयज वर नॉट फ्लाइंग द काइट्स, कर लो, क्योंकि भाई लड़के हैं तो पतंग भी ज़्यादा होंगी, है ना। बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे, द चिल्ड्रन वर डू नॉट बाथिंग इन द रिवर। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था, द गार्डनर वॉज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, बिल्कुल सही, द गार्डनर वॉज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। वह तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था, ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट यू, है ना, ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट यू। अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में, तो बिल्कुल सिंपल है, वॉज या वर आगे आ जाएगा, वॉज या वर आगे आ जाएगा। और अगर डब्ल्यू एच फैमिली तो सबसे अच्छा, सबसे आगे, है ना, तो वॉज आ गया, वर आ गया, आगे आ गया। फिर उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट, क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में और सॉरी आई एन जी और साथ में ऑब्जेक्ट, ठीक ना। चलिए, क्या आसमान में सितारे चमक रहे हैं, क्या आसमान में सितारे चमक रहे हैं? वर द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई, शाइनिंग इन द स्काई, क्या नहीं, डब्ल्यू एच फैमिली नहीं है, वर इसलिए आ रहा है क्योंकि थधा था लगा है ना, डब्ल्यू एच फैमिली वर थोड़ी ना है, ये तो क्या से शुरू हुआ है, तो डब्ल्यू एच फैमिली तो कुछ आना ही नहीं है, है ना, सीधे सीधे वर से स्टार्ट होगा, क्योंकि तारे हैं बहुत सारे हैं इसलिए वर, अगर सिंगुलर होता तो वास से स्टार्ट होगा। क्या मास्टर जी, अब ये वास से स्टार्ट होगा, तो क्या शुरू में ही आया, कोई दिक्कत नहीं। क्या मास्टर जी विद्यार्थियों को धमका रहे हैं? वॉज द टीचर स्कोल्डिंग द स्टूडेंट्स, वह तुमसे क्या कह रहा है, वह तुमसे क्या कह रहा है। अब यहाँ पे वॉट आएगा, हाँ, क्योंकि क्या बाद में है, अगर पहले होता तो नॉर्मल है, यहाँ पे डब्ल्यू एच आएगा, है ना। वॉट वॉज ही सेइंग टू यू, वॉट वॉज ही सेइंग टू यू। वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा है, वह लड़का इस गली में क्यों, डब्ल्यू एच है ना। वाई वॉज दैट बॉय स्टैंडिंग इन दिस स्ट्रीट, स्टैंडिंग इन दिस स्ट्रीट, बिल्कुल सही। तो ये हो गया हमारा आपका इंट्रोगेटिव। अब देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करना पड़ता है, देखिए डब्ल्यू एच फैमिली है, फिर वॉज वर लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं इसके तरीके। मम्मी क्यों नहीं डांट रही है, वाई वॉज मॉम नॉट स्कोल्डिंग,
वाई वॉज मॉम नॉट स्कोल्डिंग, क्या वह घूमने नहीं जा रहा है, क्या वह घूमने नहीं जा रहा है, देखिए क्या से शुरू हुआ, वॉज है ना, वॉज ही नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक, क्या याशी नहीं लिख रही है, तो क्या से शुरू हुआ है, वॉज याशी नॉट राइटिंग, वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा था, वाई वॉज ही नॉट टॉकिंग टू मी, ओके सारे हो गए ना, ओके बच्चों, तो ये था आपका प्रेजेंट टेंस वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। देखिए पास्ट परफेक्ट क्या होता है, ऐसा काम जो पहले कभी पूरा हो चुका था, मतलब पास्ट में जस्ट पूरा हुआ था, जस्ट पूरा हुआ था, बिल्कुल पूरा हुआ था, बताता हूँ मैं, जो पास्ट में पूरा हुआ था एकदम, जैसे मैं कहूँ जैसे ही मैं घर पहुँचा, जैसे ही मैं घर पहुँचा, युवराज पढ़ाई कर चुका था, युवराज पढ़ाई कर चुका था, तो काम कब का है, पास्ट का है, मगर पास्ट में ही सीधे सीधे पूरा हुआ था, बोलो हाँ या ना, नहीं आया समझ में, जैसे ही मैं घर पहुँचा, मैं जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने आज बैठा हूँ और मैं कल की घटना का जिक्र कर रहा हूँ, जैसे ही मैं स्टेशन पहुँचा ट्रेन आ चुकी थी, बोलिए ये सुनो, तो पास्ट की बात है मगर पास्ट में वो काम तुरंत तुरंत पूरा हुआ था उस समय, यस और नो है ना, ठीक ना, मेरे मंदिर पहुंचते ही भंडारा शुरू हो चुका था, यस और नो, तो मतलब मैं यदि शॉर्ट में बताऊं तो मैं आपको बताऊं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ठीक है ना, लिए थे, ली थी, या था, दी थी, दिए थे, अगर ये वर्ड आते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, दी थी, ली थी, की थी, अगर ये वर्ड आते हैं तो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना, हाँ, तो पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में थोड़ा सा फर्क आपको समझना पड़ेगा, कि पास्ट इंडेफिनिट मतलब वो काम बहुत पुराना है, और पास्ट परफेक्ट मतलब कि पास्ट में वो काम बस कंप्लीट हुआ था, पास्ट में वो काम जस्ट कंप्लीट हुआ था, समझ गए ना, जैसे मैं घर जाने के बाद कहूँगा कि मैं बस युवराज की टीसी ले चुका था, मतलब वो काम हुआ ही हुआ था कि मेरी ट्रेन आ गई, मतलब वो काम तुरंत हुआ था और मेरी ट्रेन आ गई, समझ गए ना, तो बहुत मज़ेदार है इसमें, इसका रूल समझिए, इसमें आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, अफर्मेटिव चल रहे हैं सबसे पहले हम, सब्जेक्ट के बाद लगाना पड़ेगा हेड, क्या लगाना पड़ेगा, हेड, अब आपको समझ में आया कि हेड का यूज़ कहाँ होता है, हेड, और हेड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट, जी हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज़ करते थे, पास्ट परफेक्ट में भी क्या यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म, चलिए देखिए, बारिश हो चुकी थी, हाँ, तो है तो पास्ट की बात, मगर पास्ट की बिल्कुल पुरानी बात है कि तुरंत तुरंत की बात है, पुरानी बात है मगर पुराने में भी तुरंत तुरंत की है, पुराने में भी तुरंत तुरंत की, जैसे इसको जोड़िए ऐसे, मैं घर पहुंचा था तब बारिश हो चुकी थी, हाँ तब खत्म हो गई थी, तो तुरंत काम हुआ था ना, यस, तो पास्ट में अगर कोई काम तुरंत हुआ हो तो ये लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस, चलिए, तो बारिश हो चुकी थी, क्या लगेगा, बारिश होने क्या बोलते हैं, इट हैज, तो यहाँ पे आएगा इट हैड, रेन्ड, क्या होगा, रेन्ड, थर्ड फॉर्म, रेन्ड, है ना, मैं घूमने गया था, आई हैड गॉन फॉर अ वॉक, मैं घूमने गया था, आई हैड गॉन फॉर, आसमान में सितारे चमक रहे थे, आसमान में सितारे चमक चुके थे, सॉरी, अब चुके थे को डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट है ना, द स्टार्स हैड, है ना, शाइन शोन इन द स्काई, शोन इन द स्काई, लोग स्टेज पर नाचे थे, पीपल हैड डांस्ड ऑन द स्टेज, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया, कौन सा हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, अब पास्ट परफेक्ट में नेगेटिव देखिए, समझ गए ना, पास्ट परफेक्ट में नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड के बाद क्या,
नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अभिषेक स्कूल नहीं गया था, अभिषेक स्कूल नहीं गया था, समझ गए ना। हाँ देखिए, अभिषेक स्कूल नहीं गया था, बताइए क्या होगा इसका। बिल्कुल सही, अभिषेक हैड नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है ना, अभिषेक हैड नॉट गॉन टू स्कूल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दो सेंस आ रहे हैं। एक इसका सेंटेंस बन रहा होगा आपके मन में, अभिषेक डिड नॉट गो टू स्कूल। आपको लग रहा होगा कि अभिषेक स्कूल नहीं गया था का अभिषेक डिड नॉट गो टू स्कूल भी तो बनता है ना। हाँ, अभिषेक स्कूल नहीं गया था का अभिषेक डिड नॉट गो टू स्कूल भी तो बनता, मगर यहाँ पर स्थिति समझो, ये स्थिति ऐसी है कि कोई जो है उसके बारे में बता रहा है कि उस दिन अभिषेक स्कूल नहीं गया था। नहीं, भले यहाँ पे नहीं गया था, मतलब यहाँ पे दो सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे मान लो कि आप कोई कह रहे हो कि उस दिन अभिषेक स्कूल नहीं गया था, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा आपका, पास्ट परफेक्ट। क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट। बट यदि सिंपली आप बोलोगे, है ना, सिंपली आप बोलोगे कि भारत ने वर्ल्ड कप नहीं जीता था, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं बनेगा। नहीं, सिंपल पास्ट नेगेटिव मतलब इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट वाला बनेगा। बट यहाँ पर अभी स्कूल नहीं गया था, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे जो है हैड नॉट लगा है, बट आप देखो तो ये डिड नॉट भी बन जाएगा, दोनों बन रहे हैं यहाँ पे। अभिषेक स्कूल नहीं गया था, अभिषेक डिड नॉट गो टू स्कूल। तो अब आप कहोगे कि ये कैसे हम समझेंगे, समझ गए ना। तो एक्चुअली इसकी पूरी कहानी नहीं लिखी हुई है। चलो अभी आगे पढ़ते हैं। मैंने तुम्हें नहीं देखा था, हाँ यस, मैंने तुम्हें नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन यू। बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था, हाँ चिल्ड्रन हैड नॉट, हाथ से करना होता है होमवर्क, यानी डन क्या आएगा, हाँ कंप्लीटेड नहीं आएगा, संपूर्ण करना नहीं, हाथ से होमवर्क करना। स्टूडेंट या चिल्ड्रन, बच्चे यानी चिल्ड्रन आएगा, चिल्ड्रन हैड नॉट डन द होमवर्क, डन द होमवर्क, समझ में आ गया। हाँ देखिए, ये भी देखा जाए तो इसकी कहानी पीछे की नहीं लिखी है, इसलिए नॉर्मली पहली नज़र में देखने पर ये सिंपल पास्ट दिख रहा है, दिख रहा है ना। बट हमको पता चलेगा कि ये पुरानी बात है, तो हम इसको समझ सकते हैं कि ये क्या पास्ट परफेक्ट है, ठीक ना। बट यदि मैं कहूँ कि बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था, तो आप सिंपल लिखेंगे स्टूडेंट डिड नॉट, है ना, डू देयर होमवर्क, ठीक है ना, स्टूडेंट डिड नॉट डू देयर होमवर्क, हाँ देयर होमवर्क, डू द होमवर्क, है ना। तो देखिए, बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर समझिए, एज ए एग्जाम्पल हम परफेक्ट पढ़ा रहे हैं आपको, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। बट आपके सामने क्वेश्चन में क्लियर रहेगा, आपको समझ आया जाएगा पढ़ने में कि परफेक्ट है या पास्ट है। जैसे यहाँ पर तो ये पास्ट ही दिख रहा है सारे अपन को, क्या दिख रहे हैं, पास्ट ही दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। चलिए अब आते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव पर देखिए, वही WH फैमिली, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, क्या मैंने तुम्हें 100 रुपये का नोट दिया था, क्या मैंने तुम्हें 100 रुपये का नोट दिया था, तो दिया था आ गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, है ना, तो क्या ले आएगा इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। Had I given you a 100 rupee note, क्योंकि रूल आप देख चुके हैं WH फैमिली, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ पे हैड से शुरुआत होगी। Had I given you a 100 rupee note, क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी, Had you insulted him, मैंने काम किसके लिए किया था, मैंने काम किसके लिए किया था, For whom had I done the work? मेरे जाने के बाद उसने तुमसे क्या कहा था, हाँ What did he say to you after I had gone? अब देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत बढ़िया काम का सेंटेंस है। यहाँ पर जो है, मेरे जाने के बाद उसने तुमसे क्या कहा था, मेरे जाने के बाद उसने तुमसे क्या कहा था, मतलब तुरंत में जो घटना हो चुकी है वो क्या है, मेरे जाने के बाद मतलब पहले कौन सी घटना हुई, पहले वो गया, वो जाने के बाद,
पहले वो जाने के, मतलब पहली घटना कौन सी है, मेरे जाने के बाद जाना, ठीक है ना। और पूरा सेंटेंस किसका है, पास्ट का है, किसका है, पास्ट का। तो क्या होगा, व्हाट डिड ही से यू, व्हाट डिड ही से टू यू आफ्टर आई हैड गॉन, आफ्टर आई हैड गॉन, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे जाने के बाद उसने तुमसे क्या कहा था, मेरे जाने के बाद, मतलब ये वाला जो है परफेक्ट में जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये काम पहले हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा और ये सिंपल पास्ट में चला जाएगा। व्हाट डिड ही से टू यू, व्हाट डिड ही से टू यू आफ्टर आई हैड गॉन, आफ्टर आई हैड गॉन, ठीक। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी तब ये समझ में आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव चलते हैं। तो क्या रहेगा, देखिए डब्ल्यू एच फैमिली रहेगा, फिर हैड रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट रहेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। चलिए अगले देखिए, क्या खिलाड़ी मैदान पर, मैदान में क्रिकेट नहीं खेले थे, क्या खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट नहीं खेले थे, हैड द प्लेयर्स नॉट प्लेड क्रिकेट ऑन द फील्ड या ऑन द ग्राउंड, लड़कियां वापस क्यों नहीं लौटी थी, लड़कियां वापस क्यों नहीं लौटी थी, वाई हैड द गर्ल्स नॉट कम बैक, नॉट कम बैक, कम केम कम, थर्ड फॉर्म कम केम कम। उसने पत्र कब तक नहीं लिखा था, उसने पत्र कब तक नहीं लिखा था, ठीक ना, उसने पत्र कब तक नहीं लिखा था, उसने पत्र कब तक नहीं लिखा था, कब तक नहीं, कब तक यानी अनटिल व्हेन, अनटिल कब तक मतलब अनटिल, कब तक यानी अनटिल व्हेन, अनटिल व्हेन हैड शी नॉट रिटर्न द लेटर, अनटिल व्हेन हैड शी नॉट रिटर्न द लेटर। तो ये था थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट वाला, ये थोड़ा सा केस थोड़ा हल्का डिफिकल्ट है। तो आज की क्लास में इतना ही, इसको थोड़ा सा टाइम देके कॉपी में करिए, ओके, फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, धन्यवाद।